तो गाइस मैंने बिरयानी ले ली है और बिरयानी खाने आया हूँ और मैं व्लॉग बना के आया था ना चांदनी चौक से। तो चांदनी चौक पे इतनी ज़्यादा मेरे को गर्मी लगी, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत पछता रहा था जैकेट पहन के जाने का, बहुत पछता रहा था यार। और मैंने इन भाई की ये बिरयानी ले ली है और बहुत टेस्टी बिरयानी है इनकी, क्योंकि ये शाम में बेचते हैं, देख रहे हो ना इन बिरयानी का नाम। लेकर 8 बजे लेकर रात को 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक बेचते हैं, पता नहीं आज ही बोल रहे हैं 10 बजे तक बेचते हैं, बेचते नहीं है कैसी बोल रहे हैं। इनकी बिरयानी मुझे खाना ये मान लो ज़रूरी है, क्योंकि इनकी बिरयानी मुझे बहुत टेस्टी लगती है। पता नहीं क्या हो गया मेरे को, मसाला मसाले वाली मार्केट में मैं चला गया था तो मुझे बहुत दिक्कत हो गई मसाले वाली मार्केट में, और मसाले वाली मार्केट में मेरी नाक में पूरा मसाला घुस गया और मुझे बहुत ज़्यादा छींक आ रही, खांसी आ रही, पता नहीं क्या होगा। उसके बाद मेट्रो से आया, मैं मेट्रो से बाहर निकला, GTV निकला तो मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे, बहुत सर दर्द हो गया यार। फिर वहाँ पे मैंने एक जूस पी लिया तो थोड़ा कंट्रोल में आया, फिर मेरे को मूड ख़राब हो रहा, दिमाग ख़राब हो रहा। अब मैं बिरयानी ले रहा हूँ, मैंने बिरयानी ले ली है और बिरयानी ही खा रहा हूँ। अभी भी छींक आ रही है यार, अभी भी आ रही है, अभी भी छींक आ रही है। चम्मच से फील नहीं आ रही, बिरयानी खाने की फील नहीं आती चम्मच से, चम्मच से नहीं खाऊंगा मैं। बिरयानी खाने की फील आएगी तो तुम्हारी वो हाथ से आएगी, क्यों भैया? बिरयानी खाने की फील ही हाथ से आती है यार, सॉरी, बिरयानी खाने की फील हाथ से आती है। हाथ का मज़ा ही अलग है, सच बता रहा हूँ, टेस्ट तो हाथ में ही आता है, तो उतनी है असली टेस्ट जो है हाथ से ही आता है। मज़ा नहीं आता, हाँ जी भाई साहब। तो मिलवा दोगे ये सेवेंजर से? मुझे मिलवाने की कह रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि मैं सेवेंजर से तुम्हें मिलवा दूंगा, तो देखते हैं सेवेंजर से मिलना है मुझे, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी वीडियो यार। चतुरपतिया, आसिफ लो, इनके छोटे भाई के दोस्त है वो सेवेंजर जो हैं, आसिफ, प्रिंस काशिफ, नदीम और जितने भी हैं ना बॉडी बिल्डर, वो इनके भाई के, इनके छोटे भाई के दोस्त हैं। बोल रहे तुम्हें जब चाहे जब मिलवा दूँ, मैंने कहा चलो कोई नहीं मिलवा लेना, और मुझे मिलना है, सच में मिलना है। बस टेस्टी भी नहीं आई, इनकी तीन दुकान है, तीन, कितनी दुकान है तुम्हारी? तीन दुकान है, कहाँ कहाँ पे है? गाजियाबाद में है इनकी, एक यहाँ खोल ली इन्होंने, एक मुक्ताबाद में है, जहाँ चतुरपतिया में सेवेंजर्स रहते हैं। यहाँ पे जो काम बहुत हो रहा है, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे बिल्डिंग हर वक्त बिल्डिंग बनती रहती है ना, बहुत परेशान हो गया हूँ यार, आवाज़ से मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ सच में। छोड़ूंगा इसे एक दिन, संगम विहार को एक दिन छोड़ूंगा, जब संगम विहार को मैं खुद अच्छे से अपने को ऐसा घर बनाऊंगा तो फील ही नहीं आएगी मुझे, मुझे फील ही नहीं होगा कि मैं संगम विहार में रह रहा हूँ। चलो देर या देर ना होगा, ज़रूर होगा। तुम मुझे पागल समझ रहे होगे, मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, है नहीं? तुम ये पागल समझते होगे, मुझे मालूम, मुझे पागल समझो तुम, अरे मुझे मालूम है, ना ना मुझे ना, मैं यकीन ना करूँगा, मुझे मालूम है तुम पागल समझते हो मुझे।
उन्होंने तो पागल है, बेवकूफ़ है, वीडियो बना रहा तू तो यार। पागल वागल नहीं हूँ, चलो अभी तो मैं भी अपने आप को पागल समझ रहा हूँ, तुम तो समझ रहे हो वो बात अलग है, मैं भी अपने आप को पागल समझ रहा हूँ इस टाइम तो, क्योंकि आपको बताऊँ ना मैं तो, कुछ काम इस दुनिया में ऐसे हैं स्टार्टिंग में हर आदमी पागल लगता है। जैसे एक यूट्यूबर कोई जो ब्लॉगर होते हैं ना, फूडी ब्लॉगर, इधर उधर घूमना फिरना बातें करना, इन ब्लॉगरों को लोग पागल समझते हैं। अरे पागल है, कैसी वीडियो बना रहा है, पागल पागल कहते हुए भी तब भी वीडियो देखते हैं, देखते ज़रूर हैं। हाँ पागल भी बोलते रहेंगे और वीडियो भी देखते रहेंगे, ये सच बता रहा हूँ तो मैं। लोग पागल पागल करते हैं लोग, अरे ये पागल है, ये बेवकूफ़ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तब भी वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते देखते पागल करेंगे। वाह ये इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनता, जनता से आ जाए। एक साउथ की मूवी है जनता गैराज, वो भी चतुर पतैया में मिलता है, मोहम्मद आसिफ में और चतुर पतैया। ये भाई आ गए हमारे, क्या हाल है भाई, बिरयानी खा लो, खा लो खा लो यार, बहुत बढ़िया भाई था अभी जो भाई, मैंने दिखाया नहीं तो मैं दिखाऊंगा भी ना तो मैं, तुम फिर पागल समझोगे मुझे, मैं दिखाऊंगा थोड़े ही, तो ये समझ रहे मैं बहकी बहकी बात कर, बहकी बहकी बात ही कर रहा हूँ, तुम जान पूछ के कर रहा हूँ, मैं जान पूछ के ऐसी बातें करूँगा, कोई नहीं।